नमः शिवाय। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, विशाखा नक्षत्र लगभग 2 बजे तक चलेगा, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाएगा जिसके नक्षत्र स्वामी शनिदेव हैं और चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ चुके हैं। अनुराधा नक्षत्र में जन्मे जातक दृढ़ निश्चयी, उत्साही, धैर्यवान, यात्रा प्रिय होते हैं, गुप्त कार्यों में विशेष निपुण होते हैं। प्रतिशोध की भावना इनके अंदर लंबे समय तक बनी रहती है। आस्थावादी होते हैं और धार्मिक होते हैं। मेष राशि के लिए आज चंद्रमा मंगल के साथ 8वें घर में नीच राशि में चल रहे हैं। पारिवारिक सुख शांति में कमी महसूस होगी, मानसिक संवेदनशीलता बढ़ी हुई रहेगी, बातों के बुरा मानने की प्रवृत्ति बनी रहेगी, मन में नकारात्मक विचार ना लाएं, अधिक प्रयास करने के बाद भी काम रुक रुक कर होगा, आर्थिक योजनाएं फलीभूत होंगी, परिवार में अनबन की स्थिति बनी रह सकती है, छोटी मोटी यात्राओं का योग बना हुआ है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की जरूरत है। वृष राशि के लिए स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बढ़ेगी, पारिवारिक चिंता बनी रहेगी, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है, शासन सत्ता व अधिकारियों से सहयोग बना हुआ है, हर काम मन मुताबिक पूरे होंगे, मगर नकारात्मक विचारों से दूर रहें, पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार संभव है, व्यावसायिक उपलब्धियों में थोड़ा संघर्ष महसूस करेंगे। मिथुन राशि के लिए स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। चंद्रमा और मंगल दोनों आपके 6वें घर में चल रहे हैं और चंद्रमा नीच के हैं, इसलिए मन अकारण चिंताग्रस्त रहेगा, पेट संबंधित संक्रमण होने का अंदेशा बना हुआ है। खाने पीने में सावधानी रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का समय बहुत अनुकूल है, विरोधियों की साजिश के शिकार हो सकते हैं, सावधानी अपेक्षित है। काम करने में दुविधापूर्ण स्थिति आज दिन भर बनी रहेगी, फिर भी अचानक लाभ की स्थिति बन सकती है। कर्क राशि के लिए मानसिक चिंता और मन में नकारात्मक विचारों का उठना संभावित है, उत्साह में कमी महसूस होगी, जबकि शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा, वाद विवाद या न्यायालय से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी, अधिकारी वर्ग अनुकूल रहेगा, आर्थिक उन्नति सामान्य रहेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। सिंह राशि के लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंता बनी रहेगी, सांसों से संबंधित या कफ से संबंधित समस्या बढ़ सकती है, गर्म पानी का इस्तेमाल करें, अपनी क्षमता में कमी महसूस करेंगे, काम करने के प्रति उत्साह में उतार चढ़ाव बना रहेगा, गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, किसी अतिथि के आने से परिवार में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। आज ओम घृणी सूर्याय नमः का मानसिक जप करें, राहत मिलेगी। कन्या राशि वाले अपनी ऊर्जा और सक्रियता का इस्तेमाल रचनात्मक कार्यों में करें, सफलता मिलेगी। आज का दिन आपके लिए सहयोगी प्रभाव में बना रहेगा, मित्र बंधुओं के सहयोग से आर्थिक उन्नति संभव है, संतान के प्रति चिंता बनी रहेगी, अच्छे कामों में निवेश का समय नज़दीक है, शाम को पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में संघर्ष की मात्रा थोड़ी बढ़ी रहेगी, माँ दुर्गा की आराधना करें, अनुकूलता मिलेगी। तुला राशि वाले मित्रों के सलाह से बचें, अपने मन में उठ रहे अंतर्द्वंद को हटाकर सकारात्मक सोच रखते हुए काम को पूरा करें, आपके प्रयास सार्थक होंगे, लेकिन अपनी कार्यशैली में सुधार लाने की आवश्यकता पड़ेगी, आर्थिक और व्यावसायिक उतार चढ़ाव बना रहेगा, आज का दिन पारिवारिक और व्यावसायिक चिंता में उलझा रहेगा, ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें, राहत मिलेगी। वृश्चिक राशि वाले जातक
आज अपने सकारात्मक प्रयास को गति दें, सफलता मिलेगी, पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी, मन प्रसन्न रहेगा, गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, मन में किसी के प्रति नकारात्मक विचार ना लाएं, अपने काम से मतलब रखें, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शाम का माहौल थोड़ा उदासी भरा हो सकता है, हनुमान जी की आराधना करें, मन में शांति मिलेगी। धनु राशि वाले जातक अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए परिश्रम करें, आँखों की एलर्जी या दांत मसूड़े से संबंधित परेशानी बढ़ सकती है, किसी से मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है, हर काम में सार्थकता संभव नहीं है, इसलिए चुनकर सही निर्णय लेकर प्रयास करें, सफल होंगे। आर्थिक व व्यावसायिक पक्ष सामान्य रहेगा, अच्छे कामों में निवेश संभव है। मकर राशि के लिए आज का समय अच्छा रहेगा, व्यावसायिक उन्नति में लाभ संभव है। यदि आप नौकरी में हैं तो अधिकारियों का सहयोग और काम का अतिरिक्त दबाव बना रहेगा और सही ढंग से आप उसको संपादित भी करेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, मगर पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें, अनुकूलता मिलेगी। कुंभ राशि पर शुक्र का आना आपके लिए लाभदायक माहौल पैदा करेगा, हर्ष और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा, व्यावसायिक गतिविधियों में लाभ मिलेगा, रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, कोर्ट कचहरी या वाद विवाद के मामले में अनुकूलता बनी रहेगी, पारिवारिक सदस्य के बाहर जाने का या यात्रा का योग बना हुआ है, धार्मिक भावना आज बलवती रहेगी। मीन राशि के जातकों की आज सक्रियता और आत्मविश्वास में भ्रमात्मक स्थिति बनी रहेगी, अपने ही कामों पर संदेह होगा, पेट संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं, आर्थिक व व्यावसायिक पक्ष सामान्य रहेगा, विरोधियों से चिंता बनी रहेगी, शाम का समय लाभदायक हो सकता है, भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे, आज देव दर्शन के योग बने हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।